हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केम वीडियो प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में आपको स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे नागपुर। नागपुर के हम सबसे पहले हम दिखाएंगे ये AIIMS हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल भारत में सबसे बेहतर हॉस्पिटल है, वो हम आपको दिखाऊंगा और साथ में नागपुर सिटी भी हम आपको घुमाऊँगा। तो ध्यान रखिए मेरे चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम गीतांजलि एक्सप्रेस में हैं। हम लोग नागपुर जा रहे हैं नागपुर वीडियो शूट बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम नागपुर जंक्शन में हैं। ये है महाराष्ट्र के तीसरा सबसे बड़े शहर नागपुर। 60 रुपये का है ना खाना, सब्जी है और दाल है। अरे ये दाल भी नहीं है, दाल क्या है कि ये छुरछुर पानी जैसा है। 60 रुपया खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही है स्टेशन के बाहर में, लेकिन ये खाना भी उतना सही भी नहीं है। सुबह सुबह हम लोगों को भूख लग गया, अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा, चलो भाई खा लेते हैं और क्या करें। बाहर पे जगह है, जो मिला वही अच्छा है यार, खा लो जैसे तैसे भी खा लो, जो मिला वो भी खा लो, क्या करेगा। तो दोस्तों खाना पीना तो हो गया जैसे तैसे भी, अभी हम लोग थोड़ा ऑफिशियल काम के लिए अभी हम लोग जाएंगे IIMS। IIMS जाने के लिए हमको थोड़ा ऑटो बुक करना पड़ा। ये जगह थोड़ा सिटी से हटके हैं और वहाँ जाने के लिए हमको ऑटो में 300 रुपया देना पड़ेगा रिजर्व में। तो जाते जाते हम लोग सिटी भी देख लेंगे कैसा सिटी है। चलिए दोस्तों, और IIMS कितना सुंदर है वो भी हम देख लेते हैं। IIMS हॉस्पिटल सबसे बेहतर और सबसे सुंदर हॉस्पिटल है। जाते जाते रास्ता के ऊपर बहुत सारे होटल्स हैं, लॉज हैं, छोटे बड़े, आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। दोस्तों आप कहीं भी कोई भी सिटी में जाइए, स्टेशन के पास या बस अड्डे के पास आपको होटल लॉज आपको मिल जाएंगे, और थोड़ा आगे जाइएगा तो और थोड़े कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आप जाइए, नहीं तो आप टेम्पू वाले टैक्सी वाले से पूछ के होटल या लॉज आप ले सकते हैं। इसीलिए मैं कोई भी वीडियो में हम अलग से होटल लॉज का हम नाम नहीं बताएंगे और बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आपके अनुसार आपके चॉइस के अनुसार आपको होटल लॉज कहीं भी मिल सकता है। चलिए ऑटो में बैठे बैठे हम लोग नागपुर सिटी भी थोड़ा देख लेते हैं और आसपास के एरिया भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग जाएंगे खपड़ी, खपड़ी बाज़ार या खपड़ी स्टेशन। ये खपड़ी स्टेशन मेट्रो स्टेशन है। ये खपड़ी मेट्रो स्टेशन ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है, यहीं से मेट्रो स्टेशन शुरू होती है। एशिया का लंबा पुल कैसे हो सकता है? बनिए वाली 4.5 किलोमीटर और कलकत्ता में 9 किलोमीटर वाला है। तो 9 किलोमीटर लंबा नहीं नहीं एशिया का कैसे होगा? ऊपर में झूठ लिखता है। ओ नागपुर का सबसे बड़ा होटल, ये सबसे बड़ा होटल है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान बंदर नागपुर।
पूरा चारों ओर पेड़ से घिरा हुआ है। ऊपर जो ओवरब्रिज है वो मेट्रो स्टेशन का है ओवरब्रिज, और नीचे देखिए कितना सुंदर बगीचा बनाया हुआ है, चारों ओर फूल पेड़ पौधों से भरा हुआ और सुंदर साफ सुथरा नागपुर सिटी। जितनी दूर आंखें जाए खाली जमीन ही जमीन दिखाई देता है। कुछ दिन बाद ये सब जमीन में पूरा बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े ऑफिस हो जाएंगे। ये एयरपोर्ट एरिया है इसीलिए ये थोड़ा खाली ज़मीन है, ये थोड़ा नागपुर से थोड़ा हटके है। ये खपड़ी इलाका है, खपड़ी बाज़ार। खपड़ी बाज़ार मेट्रो रेलवे स्टेशन, ये लास्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन है यहाँ के। और लीजिए दोस्तों, हम बातों बातों में आ गए हैं AIIMS, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। ये सबसे बेहतर हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल 2014 में घोषित चार चरण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक है। ये चिकित्सा अनुसंधान सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है जो मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और नागपुर महाराष्ट्र भारत में हवाई अड्डे पर ही स्थित है। AIIMS भारत में सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह है। ये समूह में नई दिल्ली में स्थित भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है। इसकी आधारशिला 4 अप्रैल 1952 में रखी गई और इसका सृजन 1956 में संसद के एक अधिनायक के माध्यम से एक संस्था के रूप में किया गया। एम्स की स्थापना कब और किसने की? 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में बेहतर संस्थाएं और स्वास्थ्य की सुविधाएं और रिसर्च को गति देने के लिए एक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की रूपरेखा तैयार की, जिसे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का सहयोग मिला और 1952 में आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की आधारशिला रखी। अब तक की पूरे भारत में कुल 19 एम्स हॉस्पिटल्स है और ये सबसे बेहतर, सबसे अच्छे, सबसे सुंदर, साफ सुथरा और इतने बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़ी खास बात एक और है, ये BPL रोगियों के लिए, गरीब लोगों के लिए मुफ्त में दवाइयाँ और रिसर्च और आपका ये जितने सारे इलाज हैं, ऑपरेशन है, हर चीज़ यहाँ मुफ्त में प्रदान किया जाता है। सिर्फ आपको प्रवेश मूल्य 25 रुपये जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को प्रवेश के समय 10 दिनों के शुल्क के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा, यानी 375 रुपये में 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 35 रुपये प्लस 25 रुपये आपको प्रवेश शुल्क। इन शुल्कों में नियमित बुनियादी जांच और नियमित प्रक्रियाएं शामिल ही होती है और ये सब सारे खर्चा उठाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्यता से संचालित होती है। और यहाँ के कैंटीन में खाना भी बहुत स्वस्थ और सस्ते में मिलता है। देखिए ये 70 रुपये प्लेट है और यहाँ का पाव भाजी और यहाँ का पोहा सबसे बेहतर है, मात्र 15 रुपये प्लेट है, 15 रुपये में आपको पेट भर जाएगा। और ये देखिए कैंटीन कितना साफ सुथरा और बड़ा है और ये महाराष्ट्र का पोहा ये फेमस है। वैसे तो नागपुर में पाव भाजी भी फेमस होता है लेकिन हम आज के ब्रेकफास्ट में हम पोहा ले लिए, पोहा हम खा के देखेंगे यहाँ कैसे लगता है खाने में। ये महाराष्ट्रियन है, यहाँ के हैं, लोकल है, ट्रेन में मुलाकात हुआ, कल छत्रपति उतर के हम जाएंगे। ओके, बोलने के लिए बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स है और आपका वीडियो आएगा, नजर रखेगा मेरे चैनल पे। थैंक यू। दोस्तों नागपुर का नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर होगा और ख़ास होगा, नागपुर मेट्रो वीडियो। नागपुर का पूरा सिटी हम मेट्रो में चल के हम दिखाएंगे नागपुर सिटी कैसा है। इसीलिए मेरे इस चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ फटाफट मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूरा नागपुर सिटी देख पाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हमें विदा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।